आहिस्ता आहिस्ता। हाय फ्रेंड्स, केम छो? मजा मचो? मजे में ही रहने चाहिए। आप सब लोग ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मैं आपकी गुरु प्लस माँ गुरु माँ हूँ। सेफ रहिए आप, पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। पूरे देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। ब्लैक मैजिक के उपाय भी मैं बताती हूँ। पर्सनल हीलिंग में एक के साथ एक की फ्री कर रही हूँ, एक ही पेमेंट में एक के साथ एक की फ्री हीलिंग प्लस 10 डेज में दो लोगों का ब्लैक मैजिक रिमूवल। ओके, मौके का फायदा उठाएं, जल्दी शीघ्र अति शीघ्र हीलिंग कराएं, ब्लैक मैजिक रिमूवल कराएं एक ही पेमेंट में। ओके, पर्सनल रीडिंग कराएं, मैंने पैसे कम कर दिए हैं, पेमेंट कम कर दी है, बुकिंग कराएं उस टाइम, जिस टाइम आप बुकिंग कराएंगे, पेमेंट कराएंगे, मैं उसी टाइम आपकी रीडिंग कर दूंगी, दैट्स फॉर श्योर, प्रॉमिस। आपको मुझसे बात करनी है तो पर्सनल काउंसलिंग, आपको मुझसे सलाह मशवरा चाहिए तो पर्सनल कंसल्टेशन। आप लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना मेरा कर्तव्य है, उसके लिए मैंने एक स्टेप लिया है, मैंने हाफ पेमेंट कर दी है टैरो कार्ड रीडिंग के बेसिक कोर्स को सिखाने की। अब आप जल्दी से जल्दी आगे आए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करें, क्योंकि मैंने पेमेंट हाफ कर दी है। क्या सुना आपने? मैंने पेमेंट हाफ कर दी है। आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ठीक है? ये सब मैंने आप लोगों के लिए किया है, ओके? क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे मेडिटेशन में बोला है कि आपके पर्सन तभी आएंगे थर्ड पार्टी से जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो मैंने तो अपना गुरु माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ, मैंने हाफ पेमेंट कर दी है टैरो कार्ड रीडिंग के बेसिक कोर्स के लिए। अब आप आगे आए, व्हाट्सएप मैसेज करें और बुकिंग कराएं और सीखें टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स, और हीलिंग तो जरूर कराएं, क्योंकि एक पेमेंट में एक की हीलिंग हो रही है, एक के साथ एक की हीलिंग हो रही है, प्लस 10 डेज का दो लोगों का ब्लैक मैजिक रिमूवल हो रहा है, ठीक है? चलिए, तो आज की रीडिंग क्या है? ओ, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा दीजिए, जो लोग नए आए हैं थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सेकंड चैनल है एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTARO, थैंक यू। वहां जाके 4-5 कैंडलवैक्स रीडिंग के वीडियोस हैं, प्लीज मुझे एनकरेज करें, मोटिवेट करें, वो भी देख लीजिएगा। और लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा दीजिएगा, थैंक यू थैंक यू। बेल बटन मैं इसलिए दबाने को कहती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस दिखेंगे फिर कि कौन कौन से नए आए हैं, नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है? थैंक यू मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, एनकरेजमेंट करने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए। आप लोगों को इन रिटर्न में ब्लेसिंग्स देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके अपने भी सेफ रहें, आप भी सेफ रहें, आपका पर्सन थर्ड पार्टी से वापस आए, आपको अबेंडेंस मिले, खुशियाँ मिले, स्वास्थ्य मिले, ओके? थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबाने के लिए। आज की रीडिंग क्या है? आज की रीडिंग है कि आने वाले 24 घंटे में आप और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या होने वाला है आने वाले 24 घंटे में। ओके, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन गॉड्स, प्लीज गाइड मी एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड मी एनिमल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी स्पिरिट गाइड्स, कि आने वाले 24 घंटों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या होने वाला है, जरा इस बात का खुलासा कीजिए यूनिवर्स, बताइए, खुल के बताइए यूनिवर्स। पैशन इग्नाइटेड नंबर वन नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थडे, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, रोका, कोई इंपॉर्टेंट डेट आप लोग खुद देख लीजिए। वन नंबर, एक नंबर सूर्य का भी होता है, बहुत अच्छा। 7 नंबर डिसेप्शन एंड एनवी, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेज नंबर 3, आपको 7771111333 ज्यादा रिपीटेड नंबर्स दिखते होंगे एंजल नंबर्स, तो इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन इन लव, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, चेंज इन लाइफ। नंबर 16 डिसरप्शन, 666 भी दिखता होगा आपको, बटरफ्लाईज, फेदर्स, चिड़िया, बहुत सारे आपको आपके पास आ जाते होंगे, गाय वगैरह खाना खाने के लिए, उन्हें प्लीज खिलाइएगा, पानी दीजिएगा उन्हें, उनकी बहुत आपको ब्लेसिंग्स लगेंगी। नंबर 7777 पेशेंस एंड प्लानिंग, फोर 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 भी दिखता होगा, अथॉरिटी। आने वाले 24 घंटे में आपके और आपके आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या होने वाला है, आइए इस बात का खुलासा करते हैं कार्ड्स देखकर। प्रॉस्पेरिटी बिगेंस नंबर 1, देखिए 1 फिर से आ गया, 111 बहुत ज्यादा दिखता होगा आपको। नंबर 8888 दिखता होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। सेक्रल चक्रा, ओके। नंबर 2222 ज्यादा दिखता होगा, ये देखिए 2 कार्ड उछल के नीचे गिरे हैं, वही ले लेते हैं हम, 2-4 कार्ड गिरे हैं, ये सारे ले लेंगे हम। 666 ज्यादा दिखता होगा, मेमोरीज ऑफ लव,
पेशेंस 14, सफरिंग इन साइलेंस 9 नंबर, डेस्टिनी 1010 बहुत दिखता होगा आप लोगों को, और बॉटम ऑफ द डेक में है मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। चलिए और देखते हैं क्या निकलता है वॉचेस एंड कार्ड से। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। आइसोलेशन, रो रहे हैं आपकी पार्टनर, रुलाती है बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी इसे। आप प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत रुलाती है, धोखा देती है, खाने खिलाती है, तांत्रिकों से मिल मिल के उनको बहुत रुलाती है। द रिबेल, रिबेलियस भी हो रहे हैं, वो बागी हो रहे हैं उससे। अच्छा, उससे बागी होंगे तभी तो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मैं तो चाहती हूँ बागी हूँ। प्रोजेक्शंस, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, मिरर कर रहे हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए जरूरी हो सकता है। द मास्टर, द माइजर 4 नंबर, एग्जॉशन, साइलेंस, एग्जिस्टेंस, फिर से 1 नंबर आ गया। 111 काफी दिखता होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। ट्रैवलिंग, ओके, ट्रैवल करके कहीं आपके पास तो नहीं आ रहे। आउटसाइडर का कार्ड आ गया, देखिए बताऊंगी मैं सारी, एक्सप्लेन करूंगी आपको। मैच्योरिटी, तो चलिए देखते हैं और देखते हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखते हैं। क्या होने वाला है आने वाले 24 घंटों में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। नंबर 6 बैलेंस का भी कार्ड है, न्याय का कार्ड है, आपको न्याय मिलेगा। 28, 2 और 8 भी जरूरी हो सकता है। विक्ट्री का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 5 नंबर जरूरी हो सकता है आप लोगों के लिए। द थिंकिंग मैन नंबर 46, 4, 6। एंजल ऑफ लव, अच्छा जी। द थिंकिंग वुमेन, एंजल ऑफ बैलेंस, 6th chakra आर्क एंजल मेटाट्रॉन, 3rd eye चक्र है ये। इनडिसीजन, एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक में है डोर टू वैल्यू। चलिए आप देख लेते हैं रीडिंग। पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसस, एरी सेजिटेरियस लियो। टाइमलेस रीडिंग है, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 साल बाद, 2 घंटे बाद, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट होनी शुरू होगी तो हो जाएगी। जिनसे रेजोनेट हो ये रीडिंग वो रख ले, जिनसे ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दें, फॉर फन सेक वो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले 24 घंटे में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं, आपके पर्सन का मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल फप्पस होने वाला है। बिल्कुल समझ नहीं आएगा उन्हें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। क्यों? कोई न्यू विजन में नहीं है वो। कंपैरिजन करेंगे बल्कि आपका और थर्ड पार्टी का, ठीक है। क्यों हो रहा है ये सब बताइए, क्योंकि वो इनडिसीजन में है, अभी कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। उनकी 3rd eye ब्लॉक है, इनएक्टिवेट है, इसीलिए बोलती हूँ हीलिंग करवाएं। ना उनमें बैलेंस आएगा, ना वो एक्शन ले पाएंगे आपकी तरफ, देखिए ना वो आपके पास आ पाएंगे, जबकि गेट पे ताला नहीं लगा हुआ, फिर भी वो बाहर नहीं निकल सकते थर्ड पार्टी के चंगुल से। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस नहीं पता, वो साइलेंस में है अभी, उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। अभी उन्हें आपकी वैल्यू नहीं आएगी। हीलिंग करवाइए। देखिए इसके नीचे सीधा लिखा है डोर टू हैप्पीनेस एंड हीलिंग, पर्सनल हीलिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग करवाएं। देखिए इसमें भी यही आया है कि गार्डन में है, गेट तक है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे उसके चंगुल से। देखिए ये भी उनका बेस चक्र ही इनएक्टिवेट है, तो इसीलिए बोलती हूँ हीलिंग कराइए।
इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास आने की, लेकिन नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें हीलिंग की जरूरत है। हार्ट चक्रा भी उनका इनएक्टिवेट है, स्पिरिचुअली वो अभी एक्टिवेट नहीं हुए, अवेकन नहीं हुए। स्ट्रेटजी कर करके थर्ड पार्टी उन्हें अपने चंगुल में खिला खिला के, तांत्रिकों से मिल के, तंत्र मंत्र सब कुछ करके वो अपने पास कर रही है। ये देखिए अटैचमेंट खत्म नहीं कर पा रहे हैं वो, देखिए चेन में जकड़े हुए हैं उनके पैर वो नहीं। देखिए मून के रिचुअल कर रही है वो, अमावस्या पूर्णमासी के रिचुअल भी कर रही है, जो होते हैं ना रिचुअल पूर्णमासी और अमावस्या के, पैसा उनका सारा हड़प रही है जो वो कमा रहे हैं। कहती है कि आप ही हमारी दुनिया है, मैं ही आपकी दुनिया हूँ, पुराने जन्म से हम ही प्रेमी हैं, जो ही हैं हम ही हैं, बस जो भी हैं आपके पर्सन कमा कमा के उसे दिए जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं सूझ रहा। और वो इतनी ज़्यादा उन्हें धोखा भी दे रही है और उनके और आपसे, आपके और उनके जोड़े को जल कर देख भी रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रही है, बहुत प्यार उमड़ता है आपके पर्सन के प्रति, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, उसे प्यार से कोई मतलब नहीं है। आपके पर्सन का ये हाल है, कमा रहे हैं, बेड़ियों में बंद कर रही है उन्हें, कंट्रोल कर रही है ये थर्ड पार्टी, दिमाग उनका बिल्कुल सड़ रहा है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, वो चुपचाप सफर कर रहे हैं, दुख में हैं। अथॉरिटी सारी उसके तांत्रिकों के पास या थर्ड पार्टी के पास है, तो पेशेंस भी रख रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं कैसे निकलना है इससे। आपकी डेस्टिनी, आप लोगों की डेस्टिनी में, आपके और आपके पर्सन की डेस्टिनी में 1010 नंबर है, यानी कि कंप्लीशन है इस दुख का, होगा अगर आप हीलिंग करवाएंगे तो। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, खुशियां भी आएंगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएंगी। देखिए ये स्टार टूटे हुए तारे से भी मांगती रहती है, मैनिफेस्टेशन इसकी बहुत तगड़ी है। सेक्रल चक्रा भी उनका इनएक्टिवेट है आपके पर्सन का, याद करते हैं आपको, पेशेंस भी रखते हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो खिला खिला के उनका दिमाग, उनका देखिए कैसे उनके दिमाग पे जोर पड़ता रहता है, आना चाहते हैं वो, चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, इतना खिला रही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस। ट्रैवल करके इस गेट को वो बाहर निकलना चाहते हैं, इस गेट से बाहर तोड़ना चाहते हैं ये जेल को, जबकि ताला नहीं लगा हुआ। हीलिंग करवाएंगे आप तभी तो आएंगे वो आपके पास, तभी तो एक्शन लेंगे, अभी तो वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं ना, क्योंकि उनकी हीलिंग नहीं हुई, कुछ ना समझने सोचने की उनकी हालत है। ठीक है, वो कंजूसी भी करते हैं, उसे नहीं भी देते हैं पैसा, लेकिन उसे पता चल जाता है वो तंत्र मंत्र वाली औरत है ना, वो कहती है हम ही हैं पुराने जन्म के प्रेमी, वो नहीं है जो आपकी पर्सन है। वो कभी कभी बागी भी हो जाते हैं, भागना भी चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा उनको जाल में जकड़ रखा है कि वो भाग नहीं पाते हैं उसके चंगुल से। ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास, भाग के आना चाहते हैं, रोते हैं रातों को कैसे जाऊं, कैसे इसके चंगुल से हटूं। लेकिन जब तक आप हीलिंग नहीं करवाएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक सॉरी, आपको हीलिंग तो करवानी ही पड़ेगी। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आई है, गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। देखते हैं कंपैरिजन हो रहा है आपका और थर्ड पार्टी का, क्या करे क्या ना करे, वो कैसी आप कैसे, सब पता है उन्हें कि आप कितनी अच्छी हैं, कितना प्यार करती थी, कितना थी नहीं, कितना प्यार करती हैं, कितनी देखभाल करती हैं, कितनी उनकी चिंता करती हैं। जब वो अपने दुकान बिजनेस पे जाते थे, फोन करती थी कि आप पहुंच गए कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, कितनी चिंता करती थी। आते थे, उनको पानी देती थी, खाना देती थी, सिर दबाती थी, पैर दबाती थी, उनका ऐसा सत्कार करती थी जैसे परमेश्वर का, यूनिवर्स का, परमात्मा का हम करते हैं सत्कार। तो वो सब चीज़ें याद करते हैं भाई। एंजल्स देखते हैं क्या आपको दे रहे हैं गाइडेंस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आपके साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो चिंता ही मत कीजिए, हीलिंग करवाइए और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनाइए। मैंने हाफ पेमेंट कर दिया, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिए जो लोग नए हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, बिल्कुल सीधी सच्ची बात किया कीजिए, घुमा फिरा के मत किया कीजिए। घुमा फिरा के हर एक को नहीं समझ आती है बात, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता जो घुमा फिरा के आप ताने या बातें करते हैं। सीधी सच्ची बात किया कीजिए हमेशा, रिमेन पॉजिटिव, आपको सकारात्मक रहना है हमेशा, चाहे कितने भी नेगेटिविटी हो सकारात्मक ही रहना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, सुख शांति आएगी आपके जिंदगी में। हेल्पफुल पीपल आपके जिंदगी में, लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। फॉरगिवनेस, किसी को माफ करना है आपको, उसी के बाद आपकी ग्रोथ होगी। कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है आपको जीवन में, क्यों, उससे क्या होगा, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, बड़े बड़े खुशनुमा बदलाव आएंगे आपकी जिंदगी में। रिकवरी, आपका कोई नुकसान हो रहा है, कुछ भी नुकसान हुआ है बिजनेस में, जॉब में, प्यार में, रिलेशनशिप में, किसी में भी एक्स वाई जी, तो आप उसको भी, उस नुकसान की भी भरपाई मिलने वाली है आपको। सिचुएशन विल इम्प्रूव, आप भाई आपकी सिचुएशन बहुत बुरी है तो अच्छी होने वाली है। बी असर्टिव, सीधी सच्ची बात किया कीजिए, फिर से आ गया ये।
टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको एक्शन लेना पड़े। यस, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है यस। हीलिंग करवाएं, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबाएं। वेट, लेट गो, जाने दीजिए, अभी जो हो रहा है इट्स अप टू यू, आप जो चाहेंगे वही होगा। नो, फिर से नो का आंसर आ गया है। आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, आस्क योर एंजल्स, व्हाइट कैंडल जला के डियर जीसस क्राइस्ट, और अपनी क्वेश्चंस पूछिए, आप अपनी बातें बोलिए। अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर आ रहा है, और आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जीवन में, सब अच्छा कर रहे हैं। यूनिवर्स, हीलिंग करवा लीजिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाइए, बस मैं तो यही कहती हूँ, और मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपको। और देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस आई है। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आप 21 दिन तक डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग 21 बार बोलिए, ठीक है, आपको अच्छा हो जाएगा। वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ भी बोला कीजिए 21 दिन तक 21 बार रोज। एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है आपके और आपके अपनों को माइकल आर्कएंजल से, आर्कएंजल माइकल से, और फ्रेंडशिप आएगी आपकी जिंदगी में, रीयूनियन आएगा, वाओ, आपके पर्सन आ जाएंगे अगर आप हीलिंग करा लेंगे तो। यस, देखिए यस का आंसर आ गया है। टेक अ स्टेप बैक, अभी पीछे हो जाइए, एक पाँव पीछे कर लीजिए एक स्टेप। अर्थ एंड ग्राउंड, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हारमनी, आपकी जिंदगी में शांति आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, गाइडेंस आ रही है, शक्ति आ रही है, गाइडेंस आ रही है। लगता है आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, शक्ति आ रही है, अर्धनारेश्वर को पूछते हैं, शिवजी जी को पूछते हैं। ट्रस्ट एंड यूनिवर्स, यूनिवर्स में ट्रस्ट कीजिए। ऑनेस्टी आ रही है, ईमानदारी आ रही है, बातचीत आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, चमत्कार होने वाले हैं आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े। और देखते हैं और क्या आ रहा है, और देखते हैं अपन और क्या हो रहा है। देखिए यूनिवर्स का देखते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो आपकी कार्मिक साइकिल है थर्ड पार्टी के साथ वो खत्म हो जाएगी अगर आप हीलिंग कराएंगे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, 8 घंटे की नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, पानी पीजिए, सब कुछ कीजिए, और सरेंडर टू द डिवाइन, भगवान पे विश्वास कीजिए, उनको पूरा सरेंडर कीजिए अपने आप को। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, खुशहाली आ रही है आगे, मेडिटेट कीजिए तभी आपको आंसर मिलेंगे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपकी प्यार वाली साइकिल आ रही है, न्याय मिलने वाला है आपको, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, न्याय मिलने वाला है, आप जीतने वाले हैं अपनी लड़ाई। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट के बारे में कुछ मत सोचिए, पास्ट के बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स जो आज प्रेजेंट में आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि आप पास्ट की लाइफ में ही जी रहे होते हैं, फ्यूचर की लाइफ में ही जी रहे होते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप जो सपने साकार, सपने सोच रहे हैं वो साकार होंगे। वट डू यू नीड टू रिलीज, नेगेटिविटी, नकारात्मकता को रिलीज कीजिए, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच है आपकी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अभी आप कुछ भी नहीं सोच रहे तो कुछ भी नहीं निकलेगा आपके लिए रिजल्ट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए एक्शन लीजिए, पहला कदम आप ही उठाइए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नामुमकिन में बिलीव कीजिए वो मुमकिन होगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, मिलकर रहेगा, कठिन परिश्रम आपने किया है, कमिटमेंट दी है, प्यार दिया है, लव दिया है, केयर दिया है, तो आपको सब कुछ मिलेगा, ये मेरा मानना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, बस आपको घमंड नहीं करना है किसी बात का, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, देख लिए नेगेटिविटी, नकारात्मकता को छोड़ना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल कभी नहीं होना, आप इमोशनल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल रहिए, कम्युनिकेशन बातों से ही बात बनती है, बात करने से ही। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नए चीज की शुरुआत होने वाली है, और जब थर्ड पार्टी आप और आपके पर्सन मिलेंगे तो लड़ाई तो होगी ही, फियरी क्लाइमेक्स तो होगा ही, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस आई है, देखते हैं और देखते हैं क्या निकाले अपना पिटारा, क्या आता है क्या नहीं आता है, देखते हैं पिटारे में से निकालते हैं हम मैजिकल मैसेजेस। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये कार्ड, इसमें बहुत अच्छा आता है, इसमें बहुत अच्छी गाइडेंस आती है, मुझे ऐसे रियल सी लगती है इसमें गाइडेंस। हॉलिडे, आपको हॉलिडे पे जाना चाहिए, आपका दिमाग अशांत हो रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी आ रही है कुछ लोगों के लिए, या जो प्रेग्नेंट है वो अच्छी प्रेगनेंसी, मतलब अच्छा बच्चा, मतलब जो बच्चा चाहती है वो मिलेगा उन्हें, लड़का लड़की जो भी। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ होने वाला है, चिंता ही मत कीजिए।
डॉटर, देखिए डॉटर मिलने वाली है जो प्रेग्नेंट है, मैं ये कहना चाह रही थी, यही कार्ड निकालना चाह रही थी मैं। इमोशनल हीलिंग हो रही है, लगता है आप हीलिंग करवा रहे हैं मुझसे या करवाएंगे। गेट सम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कीजिए, रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है। न्यू करियर आप चूज करेंगे, एवरीथिंग इज ओके। एंजल्स कह रहे हैं सब सही है, चिंता ही मत कीजिए। देखिए कितना अच्छा कार्ड है, देखिए कह रहे हैं सब अच्छा है, ब्लेसिंग कितनी अच्छी दे रहे हैं एंजल्स। देखिए तो सही, सब कुछ अच्छा है, चिंता ही मत कीजिए। फ्लावर पावर, मूलाधार चक्र आपका अफेक्टेड है, तो फ्लावर्स के पास, प्लांट्स के पास, ग्रीनरी के पास रहा करें। गणेश जी की मंत्र बोला करें, ओम गंग गणपतये नमः, वॉक अवे। अभी आपको लेट गो था ना, ऐसे ही वॉक अवे, अभी आप जाने दीजिए जो भी बात आपको बॉदर कर रही है, ठीक है। आप अला बला खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, तो प्लीज डाइटरी चेंज कीजिए, खाने में थोड़ा वो कीजिए। अफर्मेशंस, आई एम वेल्दी, आई एम वाइज, आई एम लव मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, ऐसे अफर्मेशंस करा कीजिए, ठीक है। एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स टू योरसेल्फ, अपने आप से सच बोलिए, ठीक है। पहले अपने आप से सच बोलिए, तभी आपका सच सही होगा। मैरिज आ रही है किन्हीं लोगों के लिए, हीलिंग हील्ड हीलर, किसी हीलर ने आपको हील कर दिया है और आपकी खुशियां आ गई हैं। लव लाइफ आपकी आने वाली है बढ़िया सी, कमिटेड वाली, कमिटमेंट मिलेगा, आप भी देंगे वो भी देंगे, इतनी प्यारी लव लाइफ होगी। शायद समर में हो सकता है, ये समर चल रही है। यू हैव गॉट द पावर, आपके अंदर पावर है, सब कुछ कर सकते हैं आप। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से तो सब परफेक्ट हो जाते हैं। ट्रैवलिंग आ रही है, ट्रैवल करके शायद हॉलीडे मनाने जा रहे हैं आप। न्यू होम, आपको लगता है किसी नए होम में शिफ्ट होने का मौका मिलेगा या आप कोई नया होम लेंगे। आपकी डिजायर, आपकी जो विश है वो पूरी होगी, होने ही वाली है। सन भी हो सकता है या सन डॉटर, सब हो सकता है, दोनों हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो चलिए आप लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के। ये ज्यादा निकल गए, थोड़े कम कर देती हूँ। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टूगेदर, यू कैन मेक मी बेटर वेन आई एम फीलिंग डाउन, यू होल्ड द की टू माई हार्ट, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स, इफ आई डाई टूमोरो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, आई मिस यू इवन वेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टूगेदर, यू कैन मेक मी बेटर वेन आई एम फीलिंग डाउन, यू होल्ड द की टू माई हार्ट, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। ओके, तो ये था छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए कि आने वाले 24 घंटों में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है। तो कमेंट डाउन बिलो कैसी लगी ये रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिए। मेरा सेकंड चैनल है एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTAROT, उसको भी अपना प्यार दें, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबाएं। थैंक यू, आप लोग मेरे कहने से अब लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबाने लग गए हैं यहां भी और वहां भी, थैंक यू। 4-5 कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोस हैं, प्लीज वो भी देख लिया कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हीलिंग में मैं एक के साथ एक पेमेंट पे दो लोगों की हीलिंग कर रही हूँ और एक ही पेमेंट पे मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल भी कर रही हूँ 10 डेज में, मतलब एक पेमेंट में मैं ये सब कर रही हूँ, एक के साथ एक की हीलिंग फ्री और दो लोगों की ब्लैक मैजिक रिमूवल। ओके, मौके का फायदा उठाएं, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस कम कर दिए, बुकिंग कराएं और मैं पर्सनल रीडिंग तभी कर दूंगी जब आप पेमेंट कर देंगे। आपको मुझसे बात करनी है पर्सनल काउंसलिंग, सलाह मशवरा, पर्सनल कंसल्टेशन, मैंने आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है तो मैंने हाफ पेमेंट कर दी है टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्स की। प्लीज, बहुत से लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाएं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएं, घर से ही कमाएं, फाइनेंशियली स्टेबल हों, लोगों को हील भी करें, सोशल वर्क भी करें, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, मुझे आपको गाइडेंस, मेरे गाइडेंस मिलेगी और स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए। चलिए फिर, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिए इसी बात पे, और जब मैं ये वीडियो खत्म करूं तो एंजल सोल टैरो पे भी जाकर 4-5 वीडियोस हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के, उसे उसको भी देख लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन दबा दीजिएगा। बेल बटन इसलिए बोलती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जैसे ही मैंने नए बनाए तो। ओके, बाय बाय, आई लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपके अपनों को भी स्वस्थ रखे, मस्त रखे, इविल आई, नेगेटिव एनर्जीज से बचाए रखे,
आपको सारी खुशियां मिले, पैसा मिले, प्यार मिले, आपका पर्सन वापस आ जाए थर्ड पार्टी से, और मैं क्या मांगू, आपके बच्चे भी खुश रहें, पढ़ लिख जाएं, बड़े आदमी बन जाएं, आप लोग भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएं और हीलिंग जरूर करवाएं, ठीक है। हीलिंग के साथ मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल भी कर रही हूँ एक ही पेमेंट पे। ओके, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं और बस सेकंड चैनल को भी प्यार दें, मोटिवेशन मिलेगी मुझे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।